सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एक्सप्राइजेस द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिक्रूटमेंट पैरामेडिकल प्रोफेसर इन द स्टेट ऑफ एचपी इन एसोसिएशन विद नेशनल हेल्थ मिशन एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज निरचौंक में नर्सेस के लिए इंटरव्यू एक रिटन टेस्ट का आयोजन किया गया, मगर अव्यवस्था के चलते प्रदेश के कोने कोने से आई हजारों प्रशिक्षित नर्सें वहां उनके अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे से ही 2500 से अधिक नर्सों का लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। इतनी अत्यधिक भीड़ को संभालना इंटरव्यू लेने आई चेन्नई की लाइफ केयर लिमिटेड संस्था के हाथ पांव फूल गए। संस्था इंटरव्यू लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। सुबह से भूखी प्यासी लड़कियों को चक्कर आने लगे तो उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इंटरव्यू के लिए ना बुलाए जाने पर कुछ नर्सें दिन भर इधर उधर भटकती रही। उधर एग्जामिनेशन हॉल में मात्र 220 नर्सों के बैठने की व्यवस्था थी, जबकि वहां पर लगभग 3000 नर्सें इकट्ठी हो रखी थी। वहीं उनकी इंटरव्यू के लिए उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व उनकी क्वालिफिकेशन देखने के लिए भी सही व्यवस्था नहीं रखी गई थी। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बल पुलिस की ओर से 2-4 जवानों को मौके पर भेजा गया, जबकि उनमें कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। वहीं एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के अधिकारी इस अव्यवस्था के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचते रहे। मेडिकल कॉलेज में इतनी अत्यधिक भीड़ होने के कारण मरीजों व उनके परिजनों को भी भारी परेशानी से 2-4 होना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एचएलएल लिमिटेड कंपनी की संस्था ने उनसे एग्जामिनेशन हॉल की मांग की थी, जिसको उन्होंने उपलब्ध करवा दिया था। स्थिति नियंत्रण में बनी रहे इसके लिए कॉलेज तथा उपमंडल प्रशासन पूरी तरह से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के कोलेब्रेशन के साथ एक नर्सिंग कैटेगरी के लिए एक टेस्ट का एक आयोजन यहाँ पर कर रही है। इस टेस्ट में पहले एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रक्रिया होगी, उसके बाद कुछ मार्क्स हायर क्वालिफिकेशन के हैं। तो यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। जैसे पिछले कल कंपनी के जो उनके अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने आशा जताई थी कि यहाँ पर काफ़ी रश हो सकते हैं, तो हमने इसके लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। ये जो टेस्ट है, ये इसके लिए हमने यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन हॉल और कुछ लेक्चर थिएटर वगैरह दिए हैं, जिसमें 300-400 के करीब एक टेस्ट में कैंडिडेट बैठेंगे और हो सकता है 3-4 शिफ्ट्स में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। तो हमें ये पहले ही उम्मीद थी कि यहाँ पर काफ़ी रश हो सकता है, तो हमने इसके लिए पूरी इंतजाम किए हैं। 5-6 लोग हमने अपने अस्पताल के जो सिक्योरिटी है उसके लगाए हैं, और जो लोकल पुलिस प्रशासन है, वन पुलिस थाना स्थित रहती, उनके SHO साहब से हमने कॉन्टेक्ट कर लिया था, उन्होंने भी अपने यहाँ पर फोर्स नहीं दी है।